यहाँ कमर्शियल कम आएगा, रेजिडेंस ज़्यादा आएगा। जैसे आप देख सकते हैं वेस्टर्न में राइट हैंड साइड पे निकल गया सेक्टर 108 वाला, इसकी भी काफ़ी डिमांड है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है अंदर से। अभी हम द्वारका अपर एक्सप्रेस वे पे हैं, इसको बिल्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये जब बिल्ट होगा तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहने ही कंसिडर करेंगे। एक्सप्रेस वे से ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ की रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है, एक्सप्रेस वे और अपर एक्सप्रेस वे द्वारका दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे भी रहने में, अगर कोई यहाँ पे सोच रहा है रहने के लिए प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है, तो यहाँ पे ठीक है, कोई भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर इलाका रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा। तो आप बताइए, आपने भी लोगों ने काफी लोगों ने देखा होगा अपर एक्सप्रेस वे द्वारका एक्सप्रेस वे कैसा है, आप कमेंट कर सकते हैं कि रहने के पर्पज से, रेजिडेंट के पर्पज से कौन सा रोड ज़्यादा सही रहेगा, एक्सप्रेस वे या अपर एक्सप्रेस वे। ये भी आपका एक्सप्रेस वे सीधा मानेसर निकलेगा, जब ये पूरा बन जाएगा तो ये भी सीधा मानेसर जुड़ेगा आगे जाके, तो इसको तो खैर अभी बनने में टाइम लगेगा। तो ये है, यहाँ पे है प्रॉपर्टियाँ, ऑफिस स्पेस भी है, यहाँ पे गांव भी है आगे राइट साइड पे। एक चीज मेरे नोट्स में हुई है, ये छोटे स्पीड स्पीड ब्रेकर जब पहले आया तब नहीं थे, ये अब बना दिए हैं। तो देखिए आप वीडियो में, तो अभी हम जाएंगे जहां तक ये रोड जाएगी, जहां इसका दी एंड होगा वहां तक हम जाएंगे इस रोड पे। अब देखते हैं वो कहां तक खुला था, कुछ दिन पहले आया था 99A सेक्टर तक ये बना हुआ था, उसके आगे देखो काम हुआ है या आज भी उतना ही है, ये हम देखेंगे। तो इस रोड पर पेट्रोल पंप भी है, स्कूल भी है, और आगे एक हॉस्पिटल भी है, कमर्शियल भी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन रहे हैं, तो सब कुछ है। बस हाँ, मेट्रो अगर कभी आएगी तो यहाँ पे शायद ही आगे 15-20 साल तक मेट्रो इस रोड पे ना आए। एक्सप्रेस वे पे तो मेट्रो आ जाएगी, आई थिंक जो गुड़गांव बन रहा है 103 या 108 के आसपास मेट्रो आ रही है, 87 के आसपास ही मेट्रो आ रही है जो ये कनेक्ट करेगा। तो यही है, आप मेरे राइट हैंड पे देखते हैं कि स्कूल बना हुआ है, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। देख सकते हैं आप, दिल्ली नहीं है, प्राइम ये शायद नया स्कूल खुला है, प्राइम स्कूल इंटरनेशनल स्कूल, ये भी एक स्कूल है राइट हैंड पे था। मैं वीडियो उधर नहीं करूंगा, मैं सीधा गुड़गांव। भाई बीच बीच में बहुत सारे कट हैं जिसकी वजह से थोड़ा कभी कभी रुकना पड़ता है। अभी हम काफी 2-3 किलोमीटर आ गए हैं दिल्ली बॉर्डर से, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर्टियां बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए बिल्डर्स फ्लैट भी हैं। देख सकते हैं आम्बेसोरिया, ये फ्लैट्स, ये एक स्कूल, एक इंटरनेशनल स्कूल भी खुल रहा है, मतलब इस रोड पे 3 स्कूल है आपके इंटरनेशनल। आगे हम सीधा सेक्टर 99A जाएंगे, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं ऊपर एक्सप्रेस वे पे।
आगे रोड जर भी है, राइट जाएंगे तो जिजर चला जाता है। ये देखिए आपको मशीन चल रही है, जेसीबी मशीन भी है, क्रेन भी है, तो मतलब काम हो रहा है इस रोड पे, आज भी काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा, ये रोड पूरी बंद कर दी गई है यहाँ से, पहले ये रोड खुली हुई थी तो अब ये रोड पूरी बंद कर दी गई है। अभी हम गोल चक्कर से सीधा जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं लेफ्ट साइड से कुछ गाड़ियां आ रही है, तो ये सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रही है, और राइट जा रही है तो हजर जा रही है, तो ये रूट हजर वाला है। तो चंचल गाड़ियां जाएंगी, ये आगे से राइट पूरा हजर रूट है। इस पे भी आगे रिलायंस ने प्रॉपर्टी काफी ली हुई है, रिलायंस मेट सिटी नाम से अपना प्रोजेक्ट लाएंगे, कब लाएंगे ये नहीं पता, लेकिन रिलायंस का काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। अभी हम सीधा 99A यहाँ पे रोड खत्म होगा। आप देख सकते हैं पूरा खाली रोड झज्जर के साथ 99A, ये आगे जाके रोड खत्म हो रहा है। आज भी रोड वही है, उतना ही बना है जितना पहले था। ये रोड पूरा मानेसर तक जाना है, पीछे IMT तक गया है रोड, सीधा सीधा 75 मीटर रोड है। तो अभी हम वीडियो का धन्यवाद, फिर मिलते हैं।